घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा। ये सारे मेरे दोस्त ही थे यार, ये सब काम में दो दो फोन करना मुझे, फोन करना थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे चलेंगे। अली ने ये सुनकर सब्र किया कि जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अशफाक चौधरी साहब, उनके हमरा तशरीफ लाए हमारे चौकी ऑफिसर साहब, नाइब साहब चौधरी हुसैन साहब, गुलाम मोहम्मद जरगर साहब, और हमारे यहाँ जिस डाक बंगला में तशरीफ लाए हमारे रेवेन्यू महकमा के सभी मुलाजमीन हजरात, और हमारे कहारा और पाथरी से हमारे सभी बुजुर्ग और मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। आज का ये सिलसिला कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई ट्रांसफर हो रहा है, और सुनने में आया कल एक और तकरीब है, तो खुशी होती है। अवाम और डिपार्टमेंट्स के बीच में जब अच्छा और बेहतरीन तालमेल होता है, मैं खुद एक पॉलिटिकल बंदा, लेकिन जितना बेहतरीन तालमेल डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में हो, तो पॉलिटिकल बंदों की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर उस चीज को खत्म किया किसी ने कहरा में हंसते खेलते तहसील चलाई, तो अशफाक चौधरी साहब को क्रेडिट चाहिए। सुबुशाद साहब यहां तहसीलदार थे, तो हमारा और उनका आपस में बहुत रिफ्ट रहा, और वो रिफ्ट यहां से डिविजनल कमिश्नर और गवर्नर ऑफिस तक पहुंचा, और बड़ी वो खींचातानी सी रही थी उसमें। लेकिन जब वो ट्रांसफर का वक्त आया तो उनके साथ बड़ी हमदर्दी हो गई, तो इसी डाइस से हमने उनको कहा था कि शाद साहब हमारी दुआएं हैं कि आप एसडीएम ठाकरी आए, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती, रात को उनका ऑर्डर देखा वो फिर से तहसीलदार डोडा पहुंच गए। तो खान साहब कह रहे थे कि हमारी जो दुआ है कि अशफाक साहब जो है हमारे डीसी साहब डोडा हो, तो मैं कहता हूँ अगले दो साल के बाद फिर तहसीलदार धारा न हो, मगर हमारी दुआएं हैं कि आप हमारे बीच में आते रहे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो जब अशफाक साहब के साथ पहली मुलाकात हुई, शायद आप ठाकरी से आ रहे थे, तो मैं इधर से डोडा जा रहा था, मेरे साथ एक और दो साथी थे, तो अशफाक साहब ने कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखता, जब आप सुबुशाद साहब के साथ आपके वो रिप्स चल रहे थे तो मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, लेकिन मुझे आपकी वीडियोस में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा। तो इन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने अपने स्टाफ के साथ बात की, यार उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो एक मैजिस्ट्रेट को काम करना चाहिए। देखिए, एक अच्छे इंसान की अच्छी पहचान, पर्सनल रिफ्ट अलग है, मेरे चेहरे के साथ आपकी रिफ्ट अलग है, आपके चेहरे के साथ मेरी रिफ्ट अलग है, लेकिन काम जो अच्छा करे,
और बात जो पब्लिक के हक में अच्छी बोले उसकी तारीफ करना, ये इंसानियत। तो जब अशफाक साहब और वीडियो जावेद साहब और नाइब साहब इनकी ट्रांसफर यहां हुई थी, तो इनके रिलेटिव्स में से कोई एसएचओ है दारशाला में, हाँ, उन्होंने फोन किया, मैं और फारूक साहब एक साथ बैठे थे, उन्होंने फोन किया फारूक साहब को कि यार हमारे लड़के कहारा में आ रहे हैं, लेकिन हमने सुना कहारा की तहसील बड़ी डिस्टर्ब तहसील है, तो इनका ख्याल रखना। तो मेरे दिल पे एक ना एक करंट सी लग गई कि जब घर से बाहर कोई आदमी जाता है तो उसके फैमिली और रिलेटिव्स में ये टेंशन क्रिएट हो जाती है कि हमारी जो फैमिली के लोग वहां जा रहे हैं उनको सही सलामती वहां होनी चाहिए। तो मैंने फारूक साहब को कहा यार कसम खाता हूं मैं यहाँ कि इनके पूरे टर्नओवर में पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो अशफाक साहब इसके गवाह है कि पूरे टर्नओवर में मैंने पॉलिटिकल बयान कोई कॉन्फ्रेंस नहीं दी। अब आप जा रहे हैं यहां से तो आप मेरा पॉलिटिकल कैरियर फिर से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नहीं, अशफाक साहब ने जो काम करना चाहिए था पब्लिक का, हाँ उस जगह पब्लिक परेशान हो जाती, कुछ जगह पब्लिक नाराज हो जाती, लेकिन अगर वो एक ऑफिसर होते हुए नहीं करेगा तो शायद कि ऊपर की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो सोचेगी कि ये भी पॉलिटिक्स खेल रहा है जाके वहां। तो इतना सा करना पड़ता है ताकि हायर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि हमारे ऑफिसर सरकारी काम अंजाम दे रहे हैं। तो आपका जो टर्नओवर है ये हंसता खेलता, और कोई भी ऐसा साने नहीं हुआ कि जहां से आपको परेशानी पैदा हो। तो जब सुबह शाद साहब यहां आए थे इतनी परेशानियां स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने खुद कहा कि एक दिन मैं सोया हुआ था, मुझे मुंह भी धोने नहीं दिया गया और बगैर मुंह धोए रात ही पहुंचना पड़ा, और रात को वहां वो हादसा हुआ था, वो बाजार ऊपर से गिर चुका था। तो आपके टर्नओवर में शायद आपकी पिछलों की दुआएं हैं आपके साथ, किसी नेक फैमिली के साथ आपका ताल्लुक है जिनकी दुआएं आपका सहारा बन करके आपके टर्नओवर में तहसील बहुत अच्छी चली, इंतजाम बहुत अच्छा चला, आप पब्लिक के साथ कोऑपरेटेड रहे। जबान से आपने तो किसी को गाली दी, किसी को दाड़ा मारा, लेकिन अपने कलम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आइंदा का सफर अल्लाह करे आपके लिए हर जगह आसानियां पैदा हो जिस तरह आपने अपनी तहसील के लिए आसानियां पैदा की। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। मोहतरम अशफाक साहब जो हमारे यहाँ तहसीलदार कहरा रहे, एसएचओ परवेज साहब, गुलाम मोहम्मद दरगे साहब, जाफर साहब, रशीद साहब सेक्रेटरी स्टेट, खादम साहब, मोहम्मद शफीक टेंस साहब, मास्टर सलीम साहब, मास्टर यासिन साहब, और यहाँ पे बैठे हुए मौजूद हजरात, मैं बड़े अदब के साथ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि काम के वक्त सब आते हैं लेकिन दिल की जो हमदर्दी होती है ये हमेशा कायम दायम रहती है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे मकर्मीन ने जो यहाँ पे रोशनी डाली, मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, लिहाजा जब अशफाक साहब यहाँ पे आए तो हमें इनके साथ कोई बातचीत नहीं थी। बाकी पुंछ और जोरी के लोगों के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अक्सर जम्मू में मुलाकात होती थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अशफाक साहब की शख्सियत किसी की मोहताज नहीं है। बड़े से बड़े पार्टीशन जब इन पर प्रेशर या दबाव डालते थे तो ये अगर चाहते थे तो उनका फ़ोन उठाते थे, तो नहीं चाहते थे तो उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। मैंने कई बार इनसे गुजारिश की कि अशफाक साहब आप इनका फ़ोन उठाया करो, लेकिन ये अपने मजाज के मालिक है, इनको इसमें इनकी बहुत सारी खूबियां हैं कि ये गरीब के दोस्त हैं और गरीब के मुखलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने अक्सर मेरा आना जाना रहता था इनके पास, तो ये गरीब को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। ऐसे ऑफिसर को मुबारक है कि जो गरीब सही ऑफिसर थे और इलाके पर हमेशा नजर रखते थे। जब अपने घर वापस जाते थे 200-300 किलोमीटर दूर रहते थे तो हम इनको फोन करके एक किस्म का इन पर प्रेशर हम डालते थे कि सर कहरा में ऐसी सिचुएशन है, यहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। तो इनके पास एक और बड़ा मसला नहीं था, ये ठाट से पहुंच जाते थे तो
तो ऑटोमेटिकली वो हालात दुरुस्त हो जाते थे। ये एक बासलाइट ऑफिसर हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव हुनर है, ये अल्लाह करे ये आगे जाकर और ज्यादा रहबरी करे। हमें दुख हुआ, जाती दुख हुआ इशफाक साहब के यहाँ ट्रांसफर होने का, मुझे कल से बहुत ज्यादा फील हुआ। लेकिन ये आखिरी सफर होता है, कोई भी ऑफिसर जो है वो अपना टेनर पूरा करने के बाद वापस जाते हैं, लेकिन उनकी जो यादें होती हैं वो हमारे दिलों में हमेशा रहती हैं। इनके पास इलाके के बहुत सारी चुनौतियाँ आई, इलाके के डेवलपमेंट के इशू आए, लिहाजा इन्होंने बगैर किसी मजहब और मिलत के जात पात के हर तबके की खिदमत की। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे बड़ी इज्जत के साथ। एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर इंसान को इनके साथ वाबस्ती रहती है। हमने कई बार इनसे गुस्सा भी किया, लिहाजा इन्होंने कभी उस चीज को फील नहीं किया। वो जब भी कोई मैसेज इनको भेजा और इन्होंने उसका पॉजिटिव जवाब दिया। मैं इन्हीं अल्फाज से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। अशफाक साहब के लिए मैं शायद अर्ज करना चाहता हूँ कि नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, लेकिन जब याद आओगी तो बहुत याद आओगी। साहब ने पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान का जो एक फैसला था, पहले जब हम थाटली जाते थे तहसीलदार साहब के पास, तो सर पे टोपी लगाना ऐसे लगाना वैसे तहसीलदार साहब के सामने जाना, लेकिन वो तमाम गैप जो है फिर के पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान अशफाक साहब ने, एक नए ऑफिसर जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो लोगों के साथ तालमेल कैसा हो वो उन चीजों का इल्म नहीं होता है, लेकिन जब आप उस कुर्सी पर बैठते हो आपके पास एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद पब्लिक का आप कैसे काम करोगे और पब्लिक के साथ कैसे डील करोगे, वो अशफाक साहब ने यहीं पे सीखा और यहीं पे वो इम्प्लीमेंट भी किया। ये बहुत काबिल तारीफ बात है। उसके साथ साथ अशफाक साहब ने जब ऐसे तहसीलदार थे हमारी शादी पे आए, वहां पे मैंने इनका शुक्रिया अदा नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा कि मैं बोलूंगा अशफाक साहब का शुक्रिया कि ये हर जगह आए और तमाम जो हमारे यहाँ के जितने भी इनको दावतें मिली उनका इन्होंने इस्तेमाल किया और वहां पे गए। ये तमाम चीजें जो है अच्छे इंसान की तारीफ इन चीजों से की जानी चाहिए कि वो तमाम वो ऑफिसर और एक गरीब के दरमियान का जो फैसला है वो खत्म करें और तमाम पब्लिक के साथ एक सा होकर उनके साथ चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो अभी जहां पे अपॉइंटमेंट हुए वहां पर भी आप इसी तरह पब्लिक के साथ काम करते रहो और पब्लिक का हर हमेशा आप ख्याल रखो। तो इन्हीं बातों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के मेहमान जनाब तहसीलदार अशफाक साहब, नायब तहसीलदार तारिक साहब, हमारे पुलिस से चौकी अफसर साहब परवेज साहब,
जाफर साहब, हुसैन साहब, हाजी साहब, हमारे नंबरदार स्टेशन के प्रेसिडेंट जनाब बिलाल साहब, बाकी यहाँ जितने भी आए हुए हजरात हैं, हमारे रिस्पेक्ट जो हमारे बीएलओज हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया हमारे साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासर साहब हैं, अशकूर, बर्फ में कल इनको आना पड़ा। अब मैं ज़्यादा तकरीर तो नहीं करना चाहता हूँ, सर ने पहले ही बोल दिया है कि टाइम की बहुत कमी है। कल हमने सर को ज़बरदस्ती वहाँ से लाया, सर वहाँ से ही जाने के मूड में थे, हमने ज़बरदस्ती सर को वहाँ से लाया कि सर अगर 2 साल आप यहाँ रहे तो 10 मिनट हमें और दे दीजिए, ये हमने मांग के सर से लिए हुए हैं, तो हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सर को जब सर सबसे पहले यहाँ आए तो हार की बात जब वो पहले आई तो मुझे बहुत ये चीज याद रहेगी। हम 3 लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से उस वक्त तहसील में काम कर रहे थे, तो मैं उस वक्त यहाँ प्रेजेंट नहीं था, मैं डोडा में था, तो दिलीप साहब थे हमारे यहाँ, तो दिलीप साहब ने फोन किया कि साहब बहुत स्ट्रिक्ट है तो आप जल्दी आ जाइए, सर जेडीओ साहब को लिखने वाले। जब आए यहाँ हमारे दफ्तर के बहुत से लोग जो हैं हार लेके गए, तो साहब ने कहा भाई मैं हज से नहीं आ रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा करने है, मुझे हारों की जरूरत नहीं है। तो ठीक है सर, आज हम इंशाल्लाह वो हार आज हम पहनाएंगे, क्योंकि आज सर आप उसके अगदर, क्योंकि लोगों का प्यार जो है वो आज ही जाते ही देखा जाता है। बाकी सर, बाकी मैं लोगों से सर की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने, मैं सर के साथ बहुत ज्यादा रहा, हमारी तरफ से भी कभी किसी को भी हुआ होगा कि ये सर के साथ रहते कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम चलता रहा रहता है। बहरहाल ये एक नौकरी का सिस्टम है, ट्रांसफर एक नौकरी का हिस्सा है, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा अपने बीएलओ हजरात को दावत दूंगा कि वो आके अपना जो है और ओमकार जी, ओमकार सर और चंद्र साहब आप आगे आइए, सर के जो कुछ गिफ्ट लाए हैं तो वो पेश करिए। अशफाक सर, तहसीलदार कहरा, नायब तहसीलदार सर तारिक सर, प्रवेश सर सब इंस्पेक्टर कहरा, और मोहसिन हजरात और मेरे डिपार्टमेंट से आए हुए मेरे कुलीग्स सबका खैर मकदम है आज की इस खूबसूरत तकरीब में, जहाँ पे एक तरफ से तहसीलदार साहब को खुशी है, लेकिन स्पेशली मैं बहुत मिस करूंगा तहसीलदार साहब ने, कि लास्ट 1 साल से हम तहसीलदार साहब के साथ काम किया, तो नेशनल फेस्टिवल हमने यहाँ कंक्लूड किए, और तहसीलदार साहब ने जो एक लेगेसी यहाँ पे छोड़ी है ना, कि जो ब्यूरोक्रेसी और आम जनता के बीच में गैप हुआ करता था पीछे, वो उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। और जब फर्स्ट टाइम मेरी सर से मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे इन्विटेशन अपने ऑफिस में दिया, सर जो रेस्पेक्ट आपने मुझे दी वो मुझे तामर याद रहेगी, और सर एक ऐसे जैसे ऑफिसर जो हमारे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बोला है कि ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, और जो वेलफेयर स्टेट का सही इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू से होता है। और सर जो आपने यहाँ की जनता को अपना प्यार दिया, चाहे यहाँ के यूथ से कनेक्ट रहे, यहाँ के बुजुर्गों से कनेक्ट रहे, और यहाँ के डिपार्टमेंट को जो कोऑर्डिनेट करके एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और जो सर आपने हमें बख्शी उसके लिए भी हम मशकूर रहेंगे। और सर जो रिटायर्ड खान साहब ने बोला कि हम सर जरूर लुकिंग फॉरवर्ड कि एडिशनल डीसी साहब, एसडीएम साहब फिर से यहाँ आए और यहाँ की आवाम की आप खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच। की तरह मैं काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं काम करती हूँ, मेरा असूल है मैं पहले सलाम करती हूँ, मेरा असूल है मैं पहले सलाम करती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको समंदर तो दरिया तलाश कर। रिस्पेक्टेड तहसीलदार सर और हमारे उस्तादीज़ा इकराम चौकी अफसर सर, और यहाँ पे जितने भी आवाम बैठी है, अस्सलामु अलैकुम और थैंक यू आपका बहुत बहुत। हम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिले तो नहीं लेकिन हमारी अम्मी आपके साथ मिली, आपका काम देखा और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। आपने जितना भी यहाँ पे किया इस कहरा के लिए थैंक यू आपका बहुत करना चाहते हैं, और जितनी भी आवाम है हम यही चाहते हैं कि आप जैसे ऑफिसर आगे बढ़े और हम भी आपकी लाइफ बढ़े, और जितने भी यहाँ पे हैं
सब ऐसे जैसे ऑफिसरों को सपोर्ट करें और आगे लेने की कोशिश करें। थैंक यू सर। मेहमान खुशी हमारे अशफाक साहब तहसीलदार कहरा और इनके साथ हमारे जेडीयू साहब और जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज कमेटी के चेयरमैन हमारे यहाँ मास्टर सलीम साहब और बाकी बीएलओ। आज इस दिन में काफी दिल में तो उतनी खुशी भी नहीं है और गमी भी नहीं है क्योंकि ट्रांसफर जो है ये एक पार्ट है जिंदगी का, आज यहाँ और कल वहाँ। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ भी जाएंगे खुशी से जाएंगे और इस सहारा का ख्याल रखेंगे और जो जो मतलब जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ यहाँ से जाते जाते सब कुछ भूल के जाएंगे। थैंक यू। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब तहसीलदार साहब और हमारे नायब तहसीलदार साहब और हमारे जेडीओ साहब और हमारे चौधरी अफसर साहब अश्कुर भाई हमारे बुजुर्गों और दोस्तों और हम सफर साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो पलते नहीं गुजरे हवाएं हमें फिर भी बहती हुई यादों के निशान रह जाती है। आज जो हमारे तहसीलदार साहब यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं कि जब हमारे तहसीलदार साहब यहाँ कारा में आए थे और जाएंगे तो हमारे तहसीलदार साहब बहुत परेशान थे और मैं 5-5 मिनट 2-2 मिनट देता रहता था साहब को, कोई टेंशन नहीं, यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है। पर लेकिन तहसीलदार साहब ने बहुत पब्लिक की खिदमत की क्योंकि मुलाजिम जो होता है कोई भी वो खिदमत खालिक होता है और अगर ज्यादा तकरीर करने का टाइम बहुत कम है। मैं तहसीलदार साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे से भी कहीं ऊपर नीचे होते कि हम मान कमाएं तो आगे कर सकते हैं। जिंदगी की राहों में मिलेंगे तुम्हें हजारों दोस्त लेकिन उम्र भर भूल ना पाओ जिससे वो मुलाकात हो। गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा कभी साथ थे हर पल याद दिलाएगा। गौर से पलटना जिंदगी की पलों को कभी ना कभी तो हमारा नाम नजर आएगा। ना पीछे मुड़ के देखा ना आवाज जो मुझको बड़ी मुश्किल से सीखा है मैंने अलविदा कहना। थैंक यू। हायर सेकेंडरी टांटा शायद जेडीयू का चौरी बिन के पास है। वहाँ सुनने में आया कि 5-6 चार्जेस में तो सारे अगर गिनने बैठे तो वापस चला जाएगा। मेरी मुराद है चौधरी सलाम साहब से जो कि एक महकमा तालीम से वाबस्ता एक अहम शख्सियत है, वो उनसे गुजारिश है कि वो आके यहाँ आके अपने ख्याल के इजहार करे और वक्त का खास ख्याल रखे क्योंकि वक्त आगाज तेरे नाम से एक आरसा से दो जहां रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबान। आज की स्पेशल तकरीब के मेहमान खुसूसी के एस ऑफिसर अशफाक साहब तहसीलदार जो यहां अपना टेनवर जो है बहुत अच्छा सक्सेसफुल टेनवर दे के यहां से ट्रांसफर हुए हैं और इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक वाले डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग हो गई है। तो ट्रांसफर की से लाफ नचन तब्दीली जो है ये कुदरत का कानून है, तब्दीली जो है वो आनी चाहिए। अगर ये केएस ऑफिसर बन के यहाँ पोस्टिंग नहीं हुई होती क्या आप लोग जानते हैं इनको? नहीं जानते। तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया पहले मंडी वाले लोग इनको नहीं जानते हैं और जब वहाँ टेनवर देंगे बहुत अच्छी तरह से वो लोग जानेंगे इनको। तो इसी को बोलते हैं लाफ नेचर। जिस एरिया में जाते हैं लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत होती है तो अल्लाह ताला जिनको ये सलाहियत देता है खिदमत खलक की तो उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी अल्लाह ताला ने डाली होती है और वो खिदमत खलक करते हैं। तो कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट दोनों ही होते हैं। कभी भी डिपार्टमेंट के अंदर सख्तियाँ डिपार्टमेंट के ऊपर से हर सर्विस की आती है तो वो सख्ती से अपने जूनियर्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं या पब्लिक के साथ कहीं भी कौन सी छोटी मोटी बातें मैनेजमेंट के लिए होती ही हैं। तो इनमें चलाने में कहीं भी किसी किस्म की इनकी वजह इनसे किसी भी यहाँ के लोगों को अगर तकलीफ पहुंची होगी तो मैं भी इनकी तरफ से मदद करता हूँ उनके लिए। और जो इनका अच्छा काम किया है वो हमें हमेशा याद रहेगा, ये लोग याद रखेंगे और जहाँ भी जब भी जब जितना इनका टेनवर है अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर ले जाए और हम इनको
यहाँ इन इलाकों में एसडीएम की शक्ल में देखना चाहते हैं, एडिशनल डीसी की शक्ल में देखना चाहते हैं और डीसी की शक्ल में देखना चाहते हैं। तो ये लोग खिदमत अलग के जो करने वाले जो लोग होते हैं ये बैलेंस लोग होते हैं, बगैर किसी लालच के बगैर किसी खुदगर्जी के खिदमत अलग करते हैं। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, इनको तंदुरुस्ती दे और आने वाले इनके काम में हमारी बेस्ट विशेज है, इनको अल्लाह ताला कामयाब करे और पीछे जो भी काम किया इनमें इसका क्रेडिट इनको अल्लाह ताला दे। इन्हीं हिसाब से मैं इनको इस इलाके से अलविदा करता हूँ और शुक्रिया। थैंक्स। इस काबिले इज्जत मोहतरमुल मकाम जनाब इशफाक सर, क्योंकि खिताब और बाकी तमाम बैठे हुए तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं दो मीटिंग लूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तहसीलदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने कभी जब से तहसीलदार साहब कहरा में आए हमने इनको तहसीलदार का ओहदा समझा ही नहीं। हम समझे कि हमारी फैमिली का एक मेम्बर है। जब भी हमने कोई भी काम किया, जब भी हमें कोई भी काम हुआ, कभी भी दफ्तर में आना दफ्तर में नहीं आए हम, लेकिन फोन ही करना सर हमारा ये काम है उसी वक्त ही हो जाता था। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कंपनी की ओर से और हमने तहसीलदार साहब को बोला कि ऐसा मसला है और तहसीलदार साहब ने हमें यकीन दहानी दिलवाई कि जब तक मैं यहाँ हूँ ये काम शुरू नहीं कर सकते और किया भी अगर तो इंशाल्लाह आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मशहूर मनमोहन हूँ। खुदा हाफिज। तहसीलदार साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, सिर्फ दो इशार मैंने हैं कहने हैं। पहला तो ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है, कि आपके काम ही आपकी एलाबरेशन है, आपकी तारीफ है। आपने जो काम किए हैं वो किसी तारीफ के, आप शख्सियत ऐसी है कि आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बल्कि आपके काम ऐसे हैं जो खुद ब खुद तारीफ करते हैं। तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, आपको हमारी तरफ से कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो हमें खुशी माफ करना क्योंकि हम बहुत तंग करते थे आपको। इसी तरह हमारे परवेज भाई हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, जब से आए हैं आप अफसरान आए हैं कसम खुदा की यहाँ रोजाना प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन जब से आपके शुभ कदम यहाँ पड़े हैं, हमारे परवेज भाई पहले भी यहाँ रहे हैं बाद में भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो मैं एक इशार आपके जाने पर कहता हूँ, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, अशफाक सर पूरे कहरा को वैरान कर गए, अशफाक सर पूरे कहरा को वैरान कर गए। उम्मीद है आप हमें भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, आने वाले दौर में आप जो भी आएंगे इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। अभी जाफर साहब ने बहुत खूब कहा कि हो सकता हो कि हमें फिर खिदमत का मौका मिले, अल्लाह करे अगर अल्लाह ने चाहा हो तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप हमें खुशी दुआओं में याद रखना, वहां भी जाएंगे गरीबों का खास ख्याल रखें सर। देखो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रंटलाइन पे, जितने भी बैठे हैं हमारे रहबर हैं, जहां भी इस पोस्ट पर भी हैं, किसी का हक ना दबाया जाए बल्कि सारों के काम आए, जिनका जनवन हो तो होना चाहिए। तो इसलिए उम्मीद है कि आगे जाकर भी आप लोगों का खूब काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जजाक अल्लाह सर। अब बैठ जाए सारे दोस्तों को, अब बदलना लाजमी है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगातार हाजिरी चुपके निकलना लाजमी चेहरा, किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी दोस्त मिलना लाजमी चेहरा। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग आए, ये आपका प्यार है मेरी तरफ के, आप लोग मेरे पास आए बैठे मिले मुझे, और मैं आप सब का शुक्र गुजार हूँ कि खास तौर पे जो मेरे मुलाजिम थे, मेरे बीएलओ थे, मैंने बहुत डांटा था इनको, फिर भी इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया और हमारे साथ मिलके काम भी किया, बहुत अच्छी तरह काम भी किया। आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि मेरी अपनी टीम जो रेवेन्यू की टीम थी इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया, मेरे नायब तहसीलदार तारिक इन्होंने 2.5 साल मेरे साथ काम किया, परवेज साहब ने, जितने भी और मुलाजम बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि टीम के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेले इंसान कुछ भी नहीं होता।
ये टीम वर्क था, सबने मिलजुल के किया तो यहाँ तक पहुँचा है। बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं जो मैं नहीं पूरी कर पाया हूँ। मुझे लगता है आने वाले तहसीलदार साहब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं, तजर्बे वाले हैं, काम किया है उन्होंने, तो वो यहाँ के लोकल भी हैं और समझते भी हैं यहाँ, तो और ज़्यादा अच्छे से करेंगे। मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी डांट भी सुनी, माफ़ किया, बुजुर्गों से खास तौर पे जिससे ये सारे लड़के जितने भी हैं लगभग मेरे दोस्त थे, जितने टीचर थे हम इकट्ठे खेलते थे, कहीं भी जाते थे मैक्सिमम बाजार में जो मिलते थे वो भी सब हमारे, तो जो खास तौर पे जिन बुजुर्गों का अगर किसी का दिल दुखा होगा मेरी वजह से तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुआज़त खाऊँ, तो मेरे लिए भी दुआएँ करें कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी अच्छा हो, और इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कारा में फिर आऊँ, ये सच बात है। जब मैंने पहले दिन से ट्राई की थी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन 2.5 साल मैंने गुजारे हैं और सच पूछो तो मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा था मैं जब जाऊँगा शुरू में तो मैं कारा नहीं आऊँगा, ट्रांसफ़र होगी, और वो मेरी बात गलत साबित हुई, मैं वापस आया क्योंकि मेरा सच में जाने को मन नहीं कर रहा है। आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, आप लोगों ने जो मेरी बातें सुनी है उस पर सब्र किया, क्योंकि मैं बोलता बड़े कड़क तरीके से था तो लोग बीच से नाराज़ भी होते थे, और मुझे यकीन है और मुझे ऐसे लगता है जो मेरा अपना मानना है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं दिया। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने किसी को नुकसान नहीं दिया, अलबत्त मैंने ज़ुबान से थोड़ा मुश्किल टफ वर्ड बोले होंगे क्योंकि वो बोलने होते हैं। हम सिस्टम इस तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने ही हेड करना था, चाहे मेरे पास एग्जीम्स थे, AAA थे या जो भी डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे परवेज साहब ने तो बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया है, बहुत अच्छे से। विदाउट पुलिस सिस्टम नहीं चलता, मैं पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। परवेज साहब तो हमारे दोस्त थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी चौकी पर हूँ। मैं नायब साहब को बोलता था यार परवेज को फ़ोन लगाओ ये मसला, और 2 मिनट में हमारे मसले निपट जाते थे। और सच बात है कि 2.5 साल में कारा में मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, तो ये जाफर साहब ने मुझे आज बताया है कि इन्होंने कसम खाई थी कि हम इस तहसीलदार के दौर में करेंगे ही नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका भी, बहुत अच्छे से कॉपरेट किया, सब ने कॉपरेट किया। जब भी मैं जाता था बहुत इज्जत देते थे लोग, गाड़ियों से गाड़ी रोकते थे, वहाँ पे लोग सलाम करते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, कुछ लड़के तो भागते भी थे मेरे में, बड़े सारे बीड़ी पीने वालों को पकड़ता था तो वो भी फेंक देते थे वैसे बुजुर्ग लोग भी। तो ये आप सब लोग का प्यार था कि मेरे 2.5 साल बहुत आसानी से गुजर गए, बहुत दूर भी था मैं, 350 किलोमीटर आना जाना कोई आसान नहीं होता, तो अल्लाह का शुक्र रहा है कि यहाँ पे कोई भी अनटूवर्ड हुआ ही नहीं, 2.5 साल कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से गुजर गया। और मैं कहता हूँ कि आपको इससे वो सगीरा आंटी बैठी हैं, मैं खास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो एक दिन मेरे ऑफिस में आई तो मुझे कहने लगी कि आपको सच में ट्रांसफ़र होना है, मैं बिल्कुल होना है, मेरे पास बैठी कुर्सी पे, बड़ी देर बैठे रहे हम, आए थे मेरे पास, मैंने कहा दुआ करना, मैं ये बोलते पक्का दुआ करूँगी, मस्जिद में दुआ करूँगी। फिर बड़े सारे लोग मेरे लिए ख्वाब तक उनको आते थे, जनाब तहसीलदार साहब हमने आज, मुझे लगता है 15 से 20 लोगों ने ऐसे कहा होगा तहसीलदार साहब आप हमें ख्वाब में आए। मैं यार अच्छा ख्वाब था कि वो तो नहीं था डरावना, डरावना कहीं मकान तो नहीं गिरा रहे थे उस ख्वाब में। इसी पे मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला है ज्वाइनिंग का, कल ही हमें ज्वाइन करना था, लेकिन फिर डीसी साहब का प्रोग्राम है 1 बजे, उनसे मुलाकात के बाद हम सीधा रजौरी के लिए जाएंगे, तो वापसी ज्वाइन करके मैं फिर आऊंगा। और आप लोग हमेशा मेरे टच में रहे, मुझे फोन करते रहे और दुआओं में याद रखे, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत दीनदार लोग देखे मैंने, बहुत दीनदार लोग थे, ऐसे कारा जैसे लोग मुझे नहीं मिलेंगे, सच बता रहा हूँ, अलग बात है। मुझे कारा बड़े सारे लोगों ने कहा कारा खराब है, बड़े सारों ने कहा, पहले जो यहाँ से जो सिस्टम से होके गए उन्होंने भी बोला, जो इधर रह रहे थे भी बोला, जो कल परसों एक तकरीर में भी बोला गया, लेकिन मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा कि कारा वालों ने, जो बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे बच्चा समझा, तहसीलदार नहीं समझा, जो मेरी उम्र के थे या मेरे से थोड़े बड़े थे टीचर हजरात थे, सब ने मुझे दोस्त समझा, दोस्त थे। कुलदीप साहब से हम कितना उधर क्रिकेट खेलते थे इकट्ठे, हलारन मलानू कहाँ कहाँ नहीं गया, मुझे लगता मैंने 29 रेवेन्यू विलेज गया हूँ,
जहाँ कोई नहीं गया, हमने बहुत पैदल वॉक किए होंगे हर जगह के, तो बड़े सारे हमारे दोस्त दुनिया भी छोड़ के चले गए, मुझे याद आ रहा है उनका भी, उन्होंने भी हमारे साथ वक्त गुजारा साल डेढ़ साल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो शफी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ काम करता था, उनके वालिद साहब आए, तो इसी पे मैं आप सब का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पे मेरे पीएसओ का इरशाद, इरशाद ने मेरा बहुत साथ दिया है। इरशाद को यहाँ पूछते थे लोग तहसीलदार कहाँ है, तो ये बेचारा मजबूर होता था, नहीं बता पाता था तहसीलदार कहाँ है, ये लोकल था, आपको नहीं बताएगा तो आप में नहीं जा पाएगा, अगर बताएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर इस बेचारे ने जो ढाई साल निकाले, मुझे लगता मेरे किसी से जो मेरे साथ रहे हैं, ये लगभग मेरे साथ रहता था 16-18 घंटे तो हमारे साथ ही होता था, तो इसने कैसे मैनेज किया होगा, तो मैं सोचता हूँ मुझे इससे सीखना चाहिए कि इसने कैसे सबर किया होगा, लोगों की डांट भी सुनी होगी, भाई तू तहसीलदार है तू बताता क्यों नहीं, बोला भी है, बोलते थे भाई बता कहाँ है तेरा तहसीलदार, तो कभी कभी इसको टांड मारते थे, हाँ तहसीलदार साहब तो बहुत अच्छा लड़का है ये। मैं परवेज साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, SSP साहब जो नया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इरशाद साहब को यहीं पे कंटिन्यू करें, परवेज साहब ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये यहीं पे रहे, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब ये पीछे बहुत कॉपरेट करता है, इसने लोगों के बीच और हमारे बीच में तालमेल जोड़ के रखी थी, बहुत अच्छे से इसने काम चलाया है, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्त थे तारिक, यहाँ मेरे नायब तहसीलदार रहे लेकिन हम यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, और बहुत सच में रिस्पेक्ट देता था ये मुझे, कभी इसने मतलब ये बिल्कुल ही चेंज हो गया यहाँ पे जब हम कारा में इकट्ठे हुए, कुछ राज की बातें मैं नहीं बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी में होती थी, तो मैं तारिक के पास जाया करता था, मैं यार तारिक ये मसला है, तो ये जेंटल था शरीफ तब से ही था, तो इसको पता है सारा, नहीं नहीं वो नहीं है हमारी दूसरी तारिक, अरे हमने ये मैंने नहीं चलाई है, मैं तो एक चेहरा था इस तस्वीर का, मेरे चलाने के पीछे हीरे हैं खुर्शीद साहब, तारिक खान साहब, सब ने मिलके शरीफ, अब शेजर ने पूरा ऑनलाइन पोर्टल देखा है, विशाल मेरा पूरा इलेक्शन का काम देखता है, और खुर्शीद साहब आप लोगों के लिए हीरा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे खादिम तारिक और खुर्शीद साहब, ये तीन आपके साथ है, निंदर भी है, ये चार पांच लोग, आप लोगों को कोई कमी फील नहीं होने दे, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो कागज पे साइन करना था, पीछे फाइल पे इन्हीं का सारा कुछ बना हुआ था, और इनकी बहुत मेहनत थी तभी ये कारा चला है। खुर्शीद से लड़कों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, महिंदर भी है, ये सारे जैसे आप काम करते आए हो इससे भी और अच्छा कर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और भी अच्छा करना, विदाउट एनी पार्शलिटी, जात पात बरादरी, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस बरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ कसम खा के आते हैं काम करने, तो हमें बस काम करना, लोग जो समझे ठीक, इन सब मैं आप फिर इसी पे खत्म करता हूँ, आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया, थैंक यू। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया 2.5 सालों में, आज मुझे जाने को मन नहीं कर रहा था, पहले मैं कोशिश करता था मेरी ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना था, लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा है, ट्रांसफर होनी ही होनी थी, सबकी ट्रांसफर ये ट्रांसफर होनी ही होनी थी, तो उसका उसमें हम भी ट्रांसफर हो गए, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आएंगे तहसीलदार की शक्ल में, वीडियो भी बन के आ सकते हैं, किसी भी सूरत में हम आ सकते हैं, हम आपके पास फिर आएंगे, आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआएं करें, अल्लाह हमें भी अच्छे ही रास्तों पे चलने की तौफीक दे, ऐसे ही लोगों की मदद करने की तौफीक, थैंक यू एवरीवन।